राहुल गांधी क्या पप्पू है आप बताइए। उस दिन ये सत्ता तुरंत पलट जाएगी और इसको जागने के लिए हमारे नेता बहुत जाग रहे हैं। बीजेपी छोड़कर आज बीजेपी को छोड़ने की जो है लाइन लगी हुई है हमारे नेताओं की, ऐसा नहीं है। गुजरात में देख लीजिए ना कि बिल्किस बानो के हम एक अपना ही नया पहलू जो है, सिक्के के दो पहलू, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, इसको खड़ा कर देते हैं। तो आज आपने सुबह देखा होगा जंतर मंतर पर मनीष सिसोदिया चोर है, मतलब विपक्ष एक दूसरे को ही, वो केजरीवाल कहता है मोदी मोदी जो है खराब है, मोदी ने घोटाले कर दिए, मोदी सरकार के लोग कहते हैं केजरीवाल ने घोटाले कर दिए, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। एक दूसरे का नाम लिए जाओ, विपक्ष को नाम लो मत, तो वो अपने आप ही मिट जाएगी। जब विपक्ष ही नहीं रहेगी, इन्हीं के लोग हो रहेंगे, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सब इन्हीं को ही लोन दे रहे हैं। 2 लाख करोड़ गौतम अडानी को देश जो है लोन दे रहा है, देश का आधा जो लोन है बैंकों का वो गौतम अडानी के पास जा रहा है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक को सब कुछ दे दो और बाकी 130 करोड़ जनता को जो है भूखा मरने दो। तो विभिन्न प्रकार के लोग जो कि सिर्फ अलग अलग तरीके की मांगे लेके आया करते थे, जैसे बाबा रामदेव, स्मृति ईरानी, आज ये सब चुप हैं क्योंकि सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी तो मंत्री हैं और बाबा रामदेव का बिजनेस ही आपको पता है सरकार की वजह से फल फूल रहा है। जो है हमारा जो राजनीतिक तबका है और या जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो तो सीबीआई रेड से जो है ना अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन भारत की जो है 95% जनता जो है वो आज महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे से बहुत बुरी तरीके से जूझ रही है। अगर सीबीआई की रेड आएगी तो एक ही परिवार जो है हताहत होगा, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से देश की 135 करोड़ जनता जो है बिल्कुल हताहत है, परेशान है और सुसाइड के जो है किस्से जो है रोज बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी रोज बढ़ती जा रही है। क्या लगता है महंगाई पहले नहीं थी, अभी बड़ी है? देखिए ऐसा नहीं है कि अगर जो है ना वो बढ़ेंगे, विकास करेंगे तो रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो है आपके रोजगार भी तो बढ़ने चाहिए। अब मेरे पैसे जेब में पैसे नहीं है और आप महंगाई बढ़ाए जा रहे हो तो मैं कहाँ से दूंगी? मैं तो दूध भी नहीं खरीद पाऊंगी, तो मैं अपने जब दूध नहीं खरीद पाऊंगी तो अपने बच्चे को नहीं पाल पाऊंगी, तो जो देश का भविष्य है वो तो खत्म होता चला जाएगा ना। तो आपने प्रोपोर्शनेट रखना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रही कि दाम नहीं बढ़ाओ, लेकिन दाम बढ़ाओ तो रोजगार तो बढ़ाओ। वादा आपने कहा था कि महंगाई बढ़ाने का वादा नहीं किया था, आपने कहा था कि जीएसटी को हम खत्म कर देंगे, कर को हम खत्म कर देंगे, लेकिन आप जो है कमेरे वर्ग पे जीएसटी थोपे जा रहे हो। तो क्या कमेरे वर्ग के लिए उस स्पीड से रोजगार पैदा कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं जी। आपने देखा होगा अभी पंजाब में पूरे घर ने आत्महत्या कर ली, उसने अपने माँ बाप की हत्या की, अपने बच्चों की, अपने बीवी की और खुद फांसी खा ली। क्यों? क्योंकि वो उनको रोटी नहीं दे पा रहा है। तो आज जो है इतना अगर आप टैक्स लगा देंगे, इतनी महंगाई कर देंगे कि हम जो है अपना छोटा सा परिवार भी नहीं पाल पाएंगे, तो महंगाई बड़ा मुद्दा है। सीबीआई और ईडी ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा, ये तो जो है विपक्ष को खत्म करने के लिए, डर बिठाने के लिए एक हथियार है कि मैं जो है विपक्ष को, बिल्कुल बीजेपी सरकार को लगता है कि बीजेपी अभी इसी बारी सत्ता में आएगी, ये लोग जो है सारे जो है भूख और प्यास से मजबूर होके अब जो है सड़कों पर आ जाएंगे, तो हमारे पास एक ही चांस बचा है इस विपक्ष को खत्म करके हम एक अपना ही नया पहलू जो है सिक्के के दो पहलू, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, इसको खड़ा कर देते हैं। तो आज आपने सुबह देखा होगा जंतर मंतर पर मनीष सिसोदिया चोर है, मतलब विपक्ष एक दूसरे को ही, वो केजरीवाल कहता है मोदी जो है खराब है, मोदी ने घोटाले कर दिए, मोदी सरकार के लोग कहते हैं केजरीवाल ने घोटाले कर दिए, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। एक दूसरे का नाम लिए जाओ, विपक्ष को नाम लो मत, तो वो अपने आप ही मिट जाएगी। जब विपक्ष ही नहीं रहेगी, इन्हीं के लोग हो रहेंगे, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सब इन्हीं को ही लोन दे रहे हैं। 2 लाख करोड़ गौतम अडानी को देश जो है लोन दे रहा है, देश का आधा जो लोन है बैंकों का वो गौतम अडानी के पास जा रहा है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक को सब कुछ दे दो और बाकी 130 करोड़ जनता को जो है भूखा मरने दो। तो जब इतना शोषण होगा तो लोग क्यों ना जो है आवाज उठाए, महंगाई, बेरोजगारी, ये अहम मुद्दा है, ठीक है ना। लेकिन 2024 की तैयारी हो रही है, एनडीटीवी को खरीदा जा रहा है, तमाम न्यूज चैनलों को भी खरीदा जा रहा है, अडानी के पास लिया जा रहा है। देखिए हिटलर शाही है, ये हिटलर शाही है और हिटलर शाही में यही होता है, हिटलर शाही में यही होता है कि सब कुछ आपका जो है धर्म सत्ता, राज सत्ता, मीडिया और जो है आपकी जनता सबको जो है अपने कंट्रोल में लेना पड़ता है। इसीलिए इनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है इनको और धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो सारे जो सत्ता हथियारने के जितने भी रूप कंट्रोल हैं ये अपने हाथ में इन्होंने धीरे धीरे ले लिया है, चाहे वो अग्निवीर हो चाहे कुछ भी हो। अग्निपथ योजना जो है
इससे रोजगार देने की बात कही जा रही थी, अभी अब जो है मामला ये शांत हो गया एक तरीके से, क्या कहेंगे रोजगार को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है सड़कों पर? देखिए सड़कों पे जब रोजगार की बात उठी थी, जब अग्निवीर इन्होंने योजना चलाई थी, तो आपने देखा होगा कि लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन किए थे, तो इन्होंने देखा कि भाई विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हो रहे हैं, अब कुछ और मुद्दा नया उछालना पड़ेगा, तो इन्होंने जो है फिर जो है ईडी की सीबीआई की रेड जो है चालू कर दी और लोगों को बताना शुरू कर दिया, देखिए बीजेपी जो है कालाबाजारी को रोक रही है, देखिए बीजेपी जो है इसको भ्रष्टाचार को रोक रही है, तो जनता का ध्यान ये हो गया कि मोदी जी अपने वादे पूरे कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कालाधन को वापस लेंगे और फिर 15-15 लाख हमारे खाते में आ जाएंगे, तो इस तरीके से लोग जो है फिर जो है उस मुद्दे को भुलाकर और जो है शांत हो गई है और अब सीबीआई रेड उसी का जो है मेले लगे पड़े हैं, सीबीआई रेड से रेडी तो आ रहा है, अब दूसरी बार सरकार बीजेपी की ही बनेगी ना, मोदी को कौन हरा सकता है, और फिर वही रोजगार की मांग फिर अगली बार भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी ही जो है यहाँ पर एक ऐसा आदमी पैदा हुआ है जो नहीं मतलब है। नहीं, देखिए सत्ता तो हर किसी की गिरी है, प्रकृति का नियम है, अगर सूरज निकला है तो चांद भी निकलेगा, तो दिन हुई है तो रात भी होगी, अगर गर्मी आई है तो सर्दी भी आएगी, तो ऐसा यहाँ पर भामाशाह कोई पैदा नहीं हुआ है जिसकी सत्ता जो है सदियों तक रही, हिटलर का भी राज जो है सदियों तक नहीं रहा है, तो मोदी जी को ये वहम है, बीजेपी सरकार को ये वहम है कि उनकी सत्ता जो है भारत पर राज करती रहेगी, ऐसा नहीं है, ये सत्ता जरूर बदलेगी, जिस दिन युवा इस देश का जाग जाएगा उस दिन ये सत्ता तुरंत पलट जाएगी, और इसको जागने के लिए हमारे नेता बहुत जाग रहे हैं, बीजेपी छोड़कर आज बीजेपी को छोड़ने की जो है लाइन लगी हुई है हमारे नेताओं की, ऐसा नहीं है। और देख लीजिए ना कि बिल्किस बानो के दोषियों की जो रिहाई पे उनको स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद भी जनता जो है देख रही है। देखिए जनता को जो है अभी फेसबुक आया, सोशल मीडिया हुई है, तो जनता देखने लगी है, जनता को पहले का इतिहास नहीं पता था कि पहले भी यही होता था कि जो कमेरा वर्ग है वो जेलों में ठुसा पड़ा है, आज भी मैंने अगर किसी की को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अगर नेता का कोई रिश्तेदार जो है उसको हत्या का आरोप है तो वो मुझे फंसा देंगे और उसको बरी कर देंगे बाइज्जत, तो ये इस देश में होता रहा है, लोकतंत्र की हत्या इस देश में होती रही है, आज़ादी जो है सिर्फ चंद लोगों की आज़ादी है, 75 वर्ष जो अमृत महोत्सव मनाया है ये सिर्फ जो है कुछ बिजनेसमैन और राजनेताओं की जो है अमृत महोत्सव मनाया है, हम कल भी जो है हम कोई कसूर नहीं करते थे लेकिन सजा भुगतते थे, और आज भी यही हालत है कि देखिए कि बिल्किस बानो को किस तरीके से उसके दोषियों को पूजा जा रहा है, यही केजरीवाल जी ने भी किया था निर्भया कांड में कि उसको नाबालिग ठहरा के उसको जो है आपने सिलाई मशीन दी थी और जब भाई तू अपना रोजगार ले, मतलब जो युवा कुछ किसी का कुछ नहीं कर रहे, ना बलात्कार कर रहे ना किसी को परेशान कर रहे, वो तो रोजगार के लिए भीख मांग रहा है और जो बलात्कार कर रहा है तुम उनको रोजगार दे रहे हो, तो ये जो है ऊपर का तंत्र ही इतना भ्रष्ट बैठा हुआ है ना, ये लोग ही अगर सत्ता जो है असली लोगों की अगर सत्ता आ जाए तो ये सारी परेशानियों की जड़ जो है मिट जाए, खत्म हो जाए। जी मैं हम लोग यहीं दिल्ली से आए हुए हैं, हमारा पूरा भारत देश में हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारी पूरी कैपेसिटी फुल 20,000 के आसपास है, हम अभी यही कहना चाहेंगे कि सरकार जिस तरीके से युवाओं की मांग को इग्नोर कर रही है, युवा की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं अपने चुनावी जुमले के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है, हमारे देश के जो दो ज्वलंत मुद्दे हैं बेरोजगारी एंड जो आपकी महंगाई, इन दोनों पे सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं हर तिमाही में जो RBI के आंकड़े आते हैं या फिर जो भी डाटा आता है उसमें आप देखते हैं महंगाई दर बढ़ती जा रही है, आप खुद एक सामान्य नागरिक हैं तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल ही जानकारी होगी कि कैसे हमारी रोज़मर्रा की वस्तुएं दिन पे दिन उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट में आप सब्जी लेने जाओ तो सब्जी बढ़ती जा रही है, हमारी जो दूध दही मक्खन ये सारी चीज़ें हैं बढ़ती जा रही है, अब तो सिलेंडर लेकर के कोई सड़कों तो आ नहीं रहा है, पहले आया था ना? यही तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, चूँकि जो लोग पहले हमारे मुद्दों को उठाते थे आज वही सरकार के प्रेशर में, आप जानते हैं सरकार एक बात है कि जो भी सरकार में जब सरकार काम कर रही हो अगर उसमें अच्छा विपक्ष नहीं है तो सरकार अपने काम को सीरियसली नहीं लेती है, और इस सरकार का सबसे बड़ा काम है इन्होंने विपक्ष को बिल्कुल खोखला कर दिया है, कहीं ना कहीं विपक्ष को अपने प्रपंचों में साथ में CBI ED जो भी इनके इनकम टैक्स ये सब जो रेड़े हैं उन रेड़ के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं डरा के चुप करा दिया जाता है, और साथ में एक बहुत भी बड़ा ये काम कर रहे हैं सरकार कि डिजिटल मीडिया में ये व्यक्ति विशेष की छवि को बिल्कुल ही खराब करने पे तुले हुए हैं। राहुल गांधी क्या पप्पू हैं? आप बताइए, देश का इतना बड़ा नेता है
क्या उनमें योग्यता नहीं है? है, तो मगर नेता बोल रहे हैं ना गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, वो कहीं ना कहीं उनके नेता बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन द एंड जो मैं उस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको एक कॉमन सेंस की बात करी कि कोई भी इंसान बिल्कुल गलत तो नहीं हो सकता, जो सत्ता में ना हो वो क्या गलत कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जब उसे पता है हमारे अगेंस्ट आप हो, तो अगर आपकी छवि को हम धूमिल कर देंगे तो हमारा कोई कंपटीटर ही नहीं रहेगा, जिसका कोई कंपटीटर नहीं होता है उसके ऊपर क्वेश्चन भी कम होते हैं। तो यही सरकार जो 83% जिसका पहले लोकप्रियता था, अब मोदी जी की लोकप्रियता 75% है, तो इनकी लोकप्रियता 8% कम हुई है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इनकी लोकप्रियता, ये तो अभी भी नंबर वन है। नंबर वन होना अलग चीज़ है, लेकिन खुद के पैमाने पे गिरना, हम जिसके लायक होता है हम उससे वैसी उम्मीद करते हैं। आप नौकरी मांगने आए? बिल्कुल, आप क्या योग्यता? मेरी योग्यता है MCA। MCA तो आपको नौकरी नहीं मिली? हमको नौकरी, इंडिविजुअल की बात नहीं है, हमारे संगठन में ऐसे बहुत लोग हैं, मैं तो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन हम, ये मेरी सिंगल की बात नहीं है, ये हमारे संगठन की बात है, ये भारत के युवाओं की बात है, जिनके जो हर रोज आंदोलन कर रहे होते हैं, जिनकी जॉब जो पेपर पे पेपर दे रहे होते हैं, जो परीक्षा को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जब जॉब नहीं मिल रही है, तो आप बताइए क्या ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है? और उनको साथ में फिर धर्म के नाम पे भटका दिया जाता है कि देश में ये हो जाएगा, देश को तबाह कर देंगे लोग, तो फिर जाहिर सी बात है, अगर हमारी जान, जब इंसान को ये बता दिया जाता है, अगर आपके मन में ये भर दिया जाए कि आपकी जान सेफ नहीं है, तो आप पहले जान बचाएंगे ना, आपका इन पे मुद्दा नहीं हो, रोटी बाद में सोचेंगे, पहले भागेंगे। तो वही लोगों के साथ ये कर रहे हैं, लोगों को इस तरीके की सिचुएशन में ला के खड़ा कर दे रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि देश खत्म हो रहा है और देश को भाजपा ही बचा रही है। मगर सर, आपको पता होगा देश कभी भी ख़त्म नहीं होता, हाँ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इतना बड़ा देश है, लेकिन सरकार को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म ये है कि जो देश की जो जनता है वो भूखी ना सोए, उनके लिए सरकार अपना कार्य करती रहे, उसके बाद ये सारी बातें करे तो अच्छा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने मद में मस्त है। आपको दिख रहा होगा विभिन्न प्रकार के लोग जो कि अलग अलग तरीके की मांगे लेके आया करते थे, जैसे बाबा रामदेव, स्मृति ईरानी, आज ये सब चुप हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी तो मंत्री हैं और बाबा रामदेव का बिजनेस ही आपको पता है सरकार की वजह से फल फूल रहा है, तो सब अपनी अपनी देख रहे हैं। ना कहीं एक सिंगल आवाज़ को उसकी संतुष्टि पूरी करके दबा दिया जा रहा है। बिजनेस बाबा रामदेव का सरकार की वजह से, आप देखिए ना, वो इन्होंने अभी एक दवाई निकाली थी, उस दवाई पे ऊपर से पहले स्टे लगा, फिर इन्होंने मीटिंग करी और इनका स्टे हट गया कोरोना की, कोरोनिल, आपको तो पता है, आप तो प्रिंट मीडिया से हैं, आपको पता होगा, तो आप जान सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।